अभी हम लोग भूतिया भर के चारों तरफ चलते हैं उस जगह पे जहाँ भी बताया गया कि उस मजदूर की आत्मा आज भी यहाँ पे पूरी है। चारों तरफ मीट ही मीट दिख रहा है। हाय दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक राज में। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम बिहार के एक ऐसे भट्ठे पर मौजूद हैं जहां पे बताया गया है कि यहां पे किसी औरत की आत्मा, मतलब वो मजदूर जिसकी मौत हो गई थी, उसकी आत्मा आज भी यहां पे मौजूद रहती है। इस भट्ठे पर जो हम आपको बता दें कि काफ़ी टाइम से जो उस चुड़ैल को, या आप बताइए उस आत्मा को भगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज भी लोगों का जो कहना है कि आज भी यहाँ पर वो चुड़ैल दिखाई देती है। यहाँ पे अब तो कोई मजदूर है नहीं, सब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें जब यहाँ पे मजदूर थे, जब हमारी बात हुई उनके जो ओनर हैं, तो उनका जो कहना था कि यहाँ पर जब मजदूर जो हैं, जो इसके पहले जो रहे थे, वो कभी कभार रात में जब उठकर, क्योंकि ईंट की जो पथाई होती है, हम आपको बता दें कि रात में 1-2 बजे उठते हैं मजदूर और अपने जगह जहाँ पे उनका मिट्टी वगैरह सान के रखते हैं वहीं पर जाके ईंट की पथाई करते हैं। कभी कभी तो जब वो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं तो उनको कुछ अजीब सा ही महसूस होता रहता है। हम आपको बता दें अभी भी इस जगह पर ऐसी आत्माएँ मौजूद हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जगह पे हमारे आने का सिर्फ एक मकसद था कि हम क्या वास्तव में इस जगह पे आज भी आत्माएं हैं, या फिर लोगों को सिर्फ भ्रम है कि इस भट्ठे पर किसी आत्मा या किसी चुड़ैल का साया आज भी मौजूद है। कैमरे के साथ नितेश भाई हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हमें भी थोड़ा अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हम भी ऐसी सी जगह पर जाएं जहां पे आज तक कोई गया ना हो। फिलहाल यहां पे देर नहीं की, क्योंकि यहां पर देर करना काफ़ी खतरा हो सकता है। इस भट्टे पर इस समय आपको बता दें कि कोई आदमी रात में नहीं रहता है। कुछ भट्टों पर तो कि इस तरह से सारे ईंट को छोड़ना किसी भी मालिक के बस की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में हम आपको बता दें कि इस जगह पे एक भी आदमी नहीं रहते हैं। जहाँ पे लोगों का जो कहना है कि जहाँ मजदूरों का जो एक हम आपको बताते झोपड़ियाँ होती हैं, पहले वहाँ तक चलना लोगों का जो कहना है कि वहीं पर काफ़ी बार उस चुड़ैल को देखा गया है। अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन व्यू चारों तरफ लेते रहना, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं आपको कब कैप्चर हो जाए ये समझ नहीं आता। तो व्यू चारों तरफ पीछे हम से लेते रहे।
की झोपड़ी हुई है क्या उनको, जहाँ मजदूर रहा करते हैं। आओ देखो आगे, आगे है कुछ बना हुआ है, आगे देखो ये क्या नाम थे। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी कल हम एक वीडियो शूट कर रहे थे जंगल में, अचानक एक सांप, बहुत बड़ा सांप हमारे पैर के नीचे आ गया था। संजोग अच्छा यह था कि हम जूते पहने हुए थे और नितिन भाई भी जूता पहने हुए थे, नहीं तो कल क्या हो जाता आपको हम बता भी नहीं सकते थे। पर बचा क्या नाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कोई रहता ना हो सकता है कोई आत्माएं ना हो, ये मतलब हमें भी लग रहा है, लेकिन जानवर तो हो सकते हैं इतनी बरसात को, इतनी रात को। और ऐसी सांप है इसके अंदर, इसके अंदर सबका है साधारण जाने का डर महसूस होता है। कोई और आवाज आ रही क्या, आवाज आ रही इसके अंदर सर क्या, देखो तार ही कैसा है ऊपर देखो, ये मकड़ी अपनी जाल बना के रखी हुई है। अंदर मत चलो, किसी का घर उजाड़ना है ठीक नहीं है। ये सुन रहा है कोई खाट वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, अंदर मत जाओ, सांप यहीं पर दिखा था। अजीब सा ही ले लो बाहर से, अंदर से कहीं का हाथ मत लगाना, समझिए ना, हाथ कहीं का भी मत लगाना, यहाँ पे कुछ भी कहीं पर कुछ भी हो सकता है। अंदर नहीं जाते हैं छोड़ो, यहाँ पे लगातार जो सांप वगैरह का डर बना हुआ है। अरे उधर कौन खड़ा है वहां पर, कोई औरत है तो कोई औरत है, पीछा करो, बात करो उससे जल्दी से, थोड़ा दिक्कत नहीं है, दिक्कत भी है। कोई औरत थी, यहाँ पर खड़ी थी, इधर गए ना, हाँ इस तरह ना इधर गए हैं सामने, कहाँ गई सुंदर कहने की, कहाँ चली गई, उधर
क्या हुआ? इसके अंदर कुछ है, कोई है लग रहा है इसके अंदर। पक्का कोई यार चले कैसे जाना था किसी घर भी जाना ठीक नहीं जानते। चले अंदर चले चले चलो देख लेते एक बार। ये गलती कर रहे हैं यार, किसी घर नहीं जाना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा कंफर्म करने के लिए कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे बचा के आना, पीछे रहा पहले हम जाके क्लियर करते हैं, समझ गए ना? क्या देखो, क्योंकि जो कुछ भी हो हमें हो यार, तुम सेफ रहो। तो कोई नहीं यार, डंडा ये हाथ लेते हो तो कुछ सांप वगैरह आ जाए इसके लिए ठीक रहेगा। चलो बाहर चलो यहाँ से, यहाँ से काफी काफी गर्म हो रहा है। हाँ गर्मी बहुत है यहाँ पर। अच्छा क्या मैं फिर अच्छा क्या मैं यार वहाँ पर खड़ी है। ओ यार बात करो जल्दी से उसे। कौन है? रुको रुको कौन है पे? कौन है कौन है? पता नहीं कहाँ गई। गई कहाँ पर? कहाँ रास्ता किधर से? कोई नहीं यार। हाँ कोई नहीं है, जल्दी कहाँ जा सकते हैं? अंदर भी लो, पूरा अंदर भी लो यार, संभल के संभल के। कोई नहीं इसमें, इस वाले में कोई नहीं, इसमें भी
कुछ नहीं है। उसके अंदर खो गया यार। उसके अंदर इसके अंदर ये तो नीचे जाता होगा ना। ये सब जो तो बंद है इसमें कोई कहीं जा सकता यार। कैसे हो सकता है यार, तो उधर कुछ दिखा था काम करो जैसे चलो ऊपर चलो पहले ऊपर पत मत जाओ यार। हाँ इसे है जरा रास्ता लग रहा है बाहर जाने के लिए। अरे किसे मत थी मुझे कुछ तो आवाज कहाँ से आई। कुछ तो था यार। हाँ कुछ तो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है। बिड बंद कर दिया क्योंकि हमें लग रहा है कि अजीब कुछ चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ रिकॉर्ड हुई हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ, ऐसा लगा कि वास्तव में कुछ अजीब है यार। बिड बंद करो यहाँ से निकलो छोड़ दो चलो। ये कुछ टाइम अभी इस समय जो हुआ हमको लग रहा है कि लगभग 12:30 से ज़्यादा है। चलो काम करो चलो।